हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोबाइल ट्रिक्स पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका मोबाइल फ़ोन पर एयरटेल सिम है और आपका इंटरनेट चलाते वक्त आपका इंटरनेट बहुत ही स्लो चल रहा है तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ आपका इंटरनेट बहुत सारा स्पीड हो जाएगा और आपका इंटरनेट कभी भी स्लो नहीं होगा, मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ। तो दोस्तों, ये ट्रिक को आप सीखने के लिए, ये सेटिंग को आप सीखने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपको देख लेना होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा, इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपका मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए, इंटरनेट स्लो प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पर आपको जाना है। और दोस्तों, मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा। हर मोबाइल फ़ोन पर एक ऑप्शन रहता है, सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका सामने में दिखाई देगा सिम वन सिम टू। तो दोस्तों, अगर आपका एयरटेल सिम वन पर लगा हुआ है तो वन पर क्लिक करिए, अगर टू पर आपका एयरटेल सिम अभी लगा हुआ है तो टू पर क्लिक कीजिए। जैसे कि मेरा वन पर एयरटेल सिम है, मैं वन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर सिम वन सिम टू पर यहाँ पर सिम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका सामने में ये पेज बिल्कुल ही खुल कर आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले एक ऑप्शन दिखाई देगा इनेबल, इसको आपको इनेबल करके यहाँ पर को रखना है। और दोस्तों, यहाँ पर नीचे दिखाई देगा डाटा रोमिंग, इसको भी आप इसी तरह ऑन करके रखना है। ये ऑफ रहेगा, इसको आप ऑन करके रखना है। दोस्तों, इसका नीचे आएगा बोल्टी, इसको बोल्टी को भी आप ऑन करके रखना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा वाईफाई कॉलिंग, इस पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग, इसको भी टिक मार्क लगा के रखना है, इसको अलाउ करके रखना है। दोस्तों, यहाँ पर नीचे दिखाई देगा प्रिफरेड नेटवर्क टाइप। दोस्तों, इस ऑप्शन पर आप यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर दिखाई देगा प्रेफरेड नेटवर्क टाइप, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर दिखाई देगा, दोस्तों यहाँ पर दिखाई देगा 4G 3G 2G आउट यहाँ पर दिखाई देगा। इसको, इस टिक को अगर आप यहाँ पर नीचे 2G 3G पर लगा हुआ है तो इसको आप 4G इसी तरह इसको ऊपर पर लाना है। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, दोस्तों इसको आप ऊपर पर टिक मार्क लगा देना है और आपको ऐसे बेकाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको इसका नीचे दिखाई देगा, दोस्तों यहाँ पर नीचे दिखाई देगा एक्सेस पॉइंट नेम्स, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अभी इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर टू यहाँ पर दिखाई देगा डॉट, यहाँ पर देखिए, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर रिसेट एक्सेस पॉइंट्स पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर फिर आपको रिसेट एक्सेस पॉइंट्स पर क्लिक करना है। दोस्तों, अगर इस यहाँ पर मोबाइल फ़ोन पर अगर कोई एक्सेस रहेगा तो ये बिल्कुल ही रिसेट हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर अभी की अभी आपको ये रिसेट एक्सेस पॉइंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा प्लस का आइकन ऊपर पर, देखिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्लस का आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आएगा नेम, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है, यहाँ पर आपको लिखना है एयरटेल। दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखना है एयरटेल, एयरटेल लिखकर आपको ओके कर देना है। दोस्तों, APN पर आपको लिखना है एयरटेल, एयरटेल यहाँ पर आपको लिखना है 4G। दोस्तों, APN पर यहाँ पर एयरटेल 4G लिखना है, यहाँ पर फिर ओके कर देना है। दोस्तों, प्रॉक्सी यहाँ पर इसका नीचे दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है एयरटेल, एयरटेल नेटवर्क, यहाँ पर आपको फिर लिखना है एयरटेल नेटवर्क, फिर आपको ओके कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर नीचे दिखाई देगा पोर्ट, इस पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको यूज़र नेम यहाँ पर उसका नीचे दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिखना है एयरटेल सिम, यहाँ पर एयरटेल सिम या एयरटेल सिर्फ एयरटेल लिखने से होगा। दोस्तों, एयरटेल लिखना होगा और यहाँ पर आपको ओके कर देना होगा। आपको उसका नीचे जाना है और यहाँ पर बीच में दिखाई देगा सर्वर, एक ऑप्शन, इस सर्वर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है www.airtel, दोस्तों लिखना है AIRTEL एयरटेल स्पीड SPEED स्पीड नेट नेट, यहाँ पर ऐसी तरह लिखना है www.airtel स्पीड नेट,
यहाँ पर लिखना है और फिर आपको ओके कर देना है। फिर दोस्तों आपको उसका नीचे जाना है, उसको पूरा नीचे जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा APN रोमिंग प्रोटोकॉल, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको IPv4 IPv6 इस पर आपको टिक मार्क लगा देना है और ये सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपको सेव पर क्लिक कर देना है। ऊपर पर आपको दिखाई देगा सेव, आपको सेव कर देना है। और दोस्तों ये सेव करने के बाद दोस्तों अभी के अभी आप अपना एयरटेल सिम पर आप इंटरनेट यूज़ करिए, मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ आपका इंटरनेट पहले से बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर मेरा मोबाइल फ़ोन पर भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरा मोबाइल फ़ोन पर भी बहुत सारा स्पीड नेट हो चुका है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरा पहला नेटवर्क बहुत ही स्लो था, मेरा इंटरनेट बहुत ही स्लो था, अभी बहुत सारा तेज़ी से चल रहा है मेरा इंटरनेट। दोस्तों इस ट्रिक के ज़रिए आप बहुत ही आसानी से आप एयरटेल इंटरनेट को आप बहुत सारा स्पीड बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को आपका दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही रोजाना वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगला वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।